Swamiji, can we say 100% that it will work on parathyroid? I have been advised surgery for the same. Parathyroid, thyroid, or any kind of endocrine gland, this works. The problem is somebody has seen you now. किसी ने आपको देख लिया है. अब वो सर्जरी तो करवाना ही है उसको. टारगेट पूरे करने होते हैं कि नहीं. हॉस्पिटल चलाना है तो सर्जरी तो करनी पड़ेगी ना. ज्यादातर केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती. कम केसेस में सर्जरी की जरूरत होती है. सर्जरी अलग चीज है. देखो, एलोपैथी क्लेम करता है सर्जरी को. सर्जरी एलोपैथी का पार्ट नहीं है. सर्जरी आयुर्वेद का पार्ट है. उसको उसने छीन लिया एक तरीके से. सर्जरी एक अच्छी चीज है, लेकिन सर्जरी तभी करानी चाहिए जब बहुत जरूरत है. और सर्जरी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये बात भी समझ लीजिए. सर्जरी मैनेजमेंट होता है, एडजस्टमेंट होता है. मैनेजमेंट भी नहीं होता, एडजस्टमेंट होता है. तो जरूरत बहुत ज्यादा हो तभी सर्जरी करनी चाहिए. उसके पहले नेचुरली वो चीज ठीक हो सकती है, तो उस पर काम करना चाहिए. प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करेंगे ना तो जितने भी ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है ये ठीक होने के बहुत चांस होते हैं, है ना. इसी को वात कहते हैं. प्रेशर से ही टेम्परेचर इकोसिस्टम, ये टेम्परेचर मैप आपके शरीर का ठीक होगा. इसे पित्त कहते हैं. और इन दोनों को मिलाएंगे तो मटेरियल मैनेजमेंट आपका शरीर का ठीक होगा. इसे कफ कहते हैं. यही आयुर्वेद का फंडामेंटल है, वात पित्त कफ. कुंभक वात पित्त कफ को ठीक करने का सबसे पावरफुल तरीका है, जो कि आयुर्वेद की किताबों से गायब हो गया. हम उसे वापस स्टैब्लिश कर रहे हैं. हम इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं. तो कुंभक इस वक्त में पूरी ह्यूमैनिटी की सबसे अर्जेंट जरूरत है. पैराथायराइड, थायराइड, क्योंकि हमारे बहुत अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जिसमें जो ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं. बहुत हार्मोन लेवल जिनके खराब होते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं. मगर पैरामीटर एलोपैथी का नहीं अपनाना. आपको ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं होना चाहिए. शुगर लेवल 90 या 110 से नीचे नहीं होना चाहिए. सब गलत धारणाएं हैं. अलग अलग एज और कंडीशन के हिसाब से ये नंबर्स अलग होने चाहिए और बॉडी उसको हमेशा मैनेज करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड, उसकी जरूरत के हिसाब से. तो पैराथायराइड का जो सिम्टम है वो आपका कुंभक से 100% ठीक हो जाएगा.